सो गाइस व्हाट्सअप कैसे आप लोग, मुझको तो बहुत ही बेहतर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BID बैंगलोर के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं कि इसके एड्रेस के बारे में, कृष्णा राजेंद्र रोड एंड द जो भी बेंगलुरु है एंड कर्नाटका 5600004 इसका एड्रेस है। अगर टाइप ऑफ कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 1979 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 5.35 एकड़ में फैला हुआ है। क्या भैया ऐसा क्यों है? मतलब जितने भी बेंगलुरु के जितने भी कॉमेंट के अंडर कॉलेज आते हैं ये उनमें सबसे छोटा कैंपस प्रोवाइड कराता है, ऐसा क्यों है? तो भैया जितने भी कैंपस है ना वो सारा का सारा शहर से थोड़ा सा दूर में पड़ता है। एंड जो भी ये कॉलेज है बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस शहर के बीचों बीच पड़ता है ऐसा मान सकते हो, क्योंकि इस वजह से शायद इसका कैंपस छोटा है। मे बी कुछ दूसरा रीज़न होगा, मुझे तो यही लगता है। अगर आपको कोई दूसरा रीज़न पता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। अब बात आ जाते हैं कि इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। देन यू हैव टू बी क्लियर KCET एग्जाम एंड थ्रू दे आर 45% स्टूडेंट गेट एडमिशन एंड कॉमेट के थ्रू दे आर 30% स्टूडेंट गेट एडमिशन एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको 25% स्टूडेंट एडमिशन को मिल जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपका आपका स्कोर सही नहीं है तो उसके डिपेंड पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब इसका काउंसलिंग कैसे करना है, आपको तब क्या करना है, कैसे एडमिशन लेना है, वो सारा का सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आपको लगता है फिर भी आपको किसी चीज़ में डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको लगता है आपको काउंसलिंग किसी एक्सपर्ट को देकर कराना चाहिए, वो भी बहुत ही कम खर्चे में, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म को फिलअप कर लें। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसमें आप कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए तो आप वहां से भी आपका अपना क्वेरी जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये आप अगर चाहते हो तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग उसे फॉर्म फिलअप करके रख दें। अब आ जाते हैं कि इसके फीस के मामले में। देखो यार, अगर आप SC ST कोटा से बिलोंग करते हो या फिर SMQ कोटा से बिलोंग करते हो देन यू हैव टू पे 26,250 रुपीज। आप इफ यू बिलोंगिंग फ्रॉम द CAT कोटा देन यू हैव टू पे 26,250 रुपीज। इफ़ यू बिलोंगिंग फ्रॉम कॉमेट के कोटा कर्नाटका से देन यू हैव टू पे 1,41,250 रुपीज। कॉमेट के कोटा 2,00,000 रुपीज यू हैव टू बी पे फॉर द मैनेजमेंट कोटा एडमिशन। सो ऑल ऑफ दिस क्लियर नाउ? इफ नो देन प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर आपको कहीं भी लगता है कहीं भी कुछ चीज़ समझ में प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ पूछना जरूरी है जो कि शायद आप पब्लिकली पूछ नहीं सकते तो डेफिनेटली सोशल हैंडल मेरा सारा का सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके मुझे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसके फीस के अलावा हॉस्टल के मामले में। हॉस्टल में आपको सारा का सारा फैसिलिटी मिल जाती है जो कि एक हॉस्टल में रहने लायक है। आपको एक से बेहतर एक बढ़िया चाहे वो CCTV हो चुका है या फिर हॉट वाटर थ्रू द सोलर हीटर्स या फिर 24/7 पावर्स बैकअप, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा आपको 24/7 सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड किया जाता है। हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख ले, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। हर बच्चे को चाहे गर्ल्स हो फीमेल्स हो या फिर मेल, हर चीज हर एक किसी को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन डेफिनेटली फॉलो करें। मानते हैं कि आपको उतना फर्क नहीं पड़ता बट यू हैव टू बी फॉलो, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो भी सारा का सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया, आप एक नाम से इसे पढ़ें। पढ़ने के लिए आपको या तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं या फिर आपको इसका SS लेके रह सकते हैं, SS इन द सेंस की स्क्रीनशॉट आप लोग को ले सकते हैं। अब हॉस्टल लाइफ में एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर कैसे रूम लेना है। अगर आप ये एक रूम में आपको दो लोग रहना चाहते हो देन यू हैव टू पे 75,000 रुपीज़। इफ़ यू वॉन्ट थ्री इन ए रूम देन यू हैव टू पे 70,000 रुपीज़। एंड अगर आप फोर चाहते हो देन यू हैव टू पे 65,000 रुपीज़। सो आई थिंक हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल कैंपस लाइफ एंड हॉस्टल के फी रिगार्डिंग आपको सारा सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ चीज़ डाउट रह चुका है तो डेफिनेटली कमेंट करें, मैं उसका डाउट को क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। अगर बात करते हैं इसके अलावा हॉस्टल लाइफ में आपको कैसे आपको कैसे एनवायरमेंट हो, देखो यार आप यहाँ पे देख सकते हो हॉस्टल के रूम्स गर्ल्स हो चुके हैं, बॉयज़ हो चुके हैं, 3-सीटर 2-सीटर या फिर 4-सीटर का सारा कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया। किचन कैसा होगा, डाइनिंग कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा, सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस बात पे तो एटलीस्ट 1 लाख बनती है। इसके अलावा अगर बात करते हो हॉस्टल कट ऑफ के बारे में, देखो यार कट ऑफ में मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे ऐसे आपको जैसे कि राइट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि काफ़ी सारे जो भी सब डोमेन मिल जाती है। अब सब डोमेन का एक ही फायदा है कि आपको जो नॉर्मल कट ऑफ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एज मिल जाता है। आप जितना
लाइक किसी, मान लीजिए आप टू ए रूरल से बैंक ये बिलोंग करते हैं, अगर आपका नॉर्मल रैंक आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में आपको 4 to 5 3 तक आपका क्लोजिंग हो जाता है, इसमें आपको अगर एडमिशन मिलता है तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आपको 5000 स्टैंडर्ड कट है, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आप अपने तो पसंदीदा ब्रांड के हिसाब से इसे नोट डाउन कर लें। एंड इसके अलावा कटअप के बारे में अगर कॉमेट की जो भी कॉमेट की रिगार्डिंग आपको कॉमेट की एग्जाम के थ्रू आपको जो भी दिखाई, अभी तक मैंने जो भी दिखाया था आपको KCET के थ्रू हुआ था, एंड कॉमेट के थ्रू आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ये राउंड वन का कटअप है, इसके अलावा आपको राउंड थ्री का कटअप यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आपको कटअप रिगार्डिंग आई थिंक सारा का सारा डाउट आपको क्लियर हो चुका है। अब आते हैं कि इसके क्लब्स के मामले में, क्लब्स के मामले में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे वो सारा का सारा एक चीज़ एक बंदे को आपको जितना इंटरेस्ट चाहे वो डांसिंग हो, म्यूज़िक हो आपको, या फिर कोडिंग हो, हर चीज़ की आपको जिसमें जिस स्पोर्ट्स रिगार्डिंग जितने भी जिसे जिसको जितना भी इंटरेस्ट है, जितने में इंटरेस्ट है वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा एक कॉलेज बताता है। सारा का सारा मैंने नोट डाउन कर दिया है, आप किस में इंटरेस्ट है उसमें डेफिनेटली ज्वाइन करें एंड पार्टिसिपेट करें। ये ना कि आप पार्टिसिपेट करें जरूर, लेकिन ऐसा मत हो कि आपको अपना एकेडमिक छोड़ के इसमें पार्टिसिपेट करें। एकेडमिक चलो फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ जो फंडामेंटल्स हैं कोर्स जो रिलेटेड उसे कभी मत छोड़ना। अब आया था कि प्लेसमेंट के मामले में एक अपना कॉलेज क्या बताता है, एवरी ईयर एनरोलमेंट प्रोसेस ऑफ द, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है, होता कैसे है। सो एवरी ईयर एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर द प्लेसमेंट बिगिंस व्हेन द स्टूडेंट्स कम टू द प्री फाइनल ईयर। ईच डिपार्टमेंट विल हैव वन फैकल्टी, टू स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर्स टू द फैसिलिटेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज। द कोऑर्डिनेटर्स ऑर्गेनाइज मॉक टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। एक्सटर्नल ट्रेनर्स आर इन्वाइटेड टू द ट्रेन्स द स्टूडेंट्स ऑन द सॉल्विंग द एप्टीट्यूड। इसके अलावा आपको हर एक मतलब एक एक पॉइंट आपको बारीकी से बताया गया है कि आपको प्लेसमेंट प्रोसेस कैसे होता है। अब आ जाते हैं कि इसके एक प्लेसमेंट प्रोसेस मैंने बता दिया, अब आ जाते हैं कि प्लेसमेंट के बाकी के चीज़ में लाइक डायग्राम आपको एक्चुअली जो स्टैट क्या है प्रीवियस ईयर के वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको समझने में ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। एंड इसके अलावा प्लेसमेंट का बाकी का स्टैट जो भी वो बाकी का मतलब जो पिछले ईयर लाइक 2014, 15, 16, 17, 18 सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया है। अब आया था कि प्लेसमेंट के मामले में कौन सा कंपनी यहाँ पे विजिट करती है, जैसे कि आपको मालूम है सारा का टॉप जितने भी कंपनी है वो सारा का सारा लगभग यहाँ पे विजिट ही करती है, चाहे वो अमेजन हो चुका है, डेल हो चुका है, ओरेकल हो चुका है, या फिर यूनिसिस हो चुका है, या फिर आपका जो भी टॉप लेवल के गूगल हो चुका है जो कि बहुत ही बढ़िया पैकेज होते हैं गूगल के। सिर्फ पैकेज की अगर ना बात करें, अगर इसके वर्क लाइफ बैलेंस हो चुका है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो भी प्लेसमेंट के मामले में जो भी खुद कॉलेज वालों ने क्या प्रोवाइड किया, कॉलेज वाले कॉलेज के बच्चे क्या बताते हैं। ऑन पेपर इट इज़ क्लोज टू 90-95% बट इट कम्स विथ ए लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन लाइक लेस देन CGPA अगर आपका आ जाता है या फिर बैकलॉग लग जाता है देन यू आर नॉट कंसिडर्ड एज एलिजिबल स्टूडेंट टू चेक NRF रिपोर्ट फॉर द एक्चुअल फिगर्स। प्लेसमेंट आर एक्सट्रीमली रेगुलेशन है, वो सारा का सारा कुछ आप खुद अगर कॉलेज के बच्चे से अगर सुने तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। मैं बाकी का जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ वो सारा का सारा कुछ ऑलरेडी बता दिया है। एंड ये ज़रूरी है कि आपको कॉलेज के बच्चे वो अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करें, देन आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आ जाते हैं कि इसके प्लेसमेंट के जो भी लाइक आपको हाईस्ट प्लेसमेंट अगर बात करें तो 37.5 लाख पर एनम मिला है। एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो 6.5 लाख पर एनम, मिनिमम पैकेज की अगर बात करें तो 3.5 लाख पर एनम। इसके अलावा जो भी हाईस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है वो है मर्सिडीज बेंच जो कंपनी आती है, वो हाईस्ट पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड किया है। बाकी जो भी स्टेट वो अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब आते हैं इसके फीस के मामले में, देखो यार फीस के मामले में एक ही चीज़ बताऊंगा, बहुत सारा बहुत मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी जो फीस के होते हैं वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी फीस होते हैं वो बहुत ही गजब की होती है। आपने दे दिया फुल स्टैक डेवलपर जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से 2022 के बैच के हैं, 20 के बैच के हैं, एंड इसके अलावा आपको 19 बैच के आपको टेस्ट इंजीनियर एनालिसिस इंजीनियर से मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ सारा सारा डिटेल्स आपको मिल चुका है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका थोड़ा काउंसलिंग या फिर चॉइस के रिगार्डिंग कॉलेज चॉइस के रिगार्डिंग थोड़ा सा मदद हो रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो बाय, सी या हैव अ गुड डे, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, बाय बाय।